केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा मजदूरों के मजदूरी दर में किए गए ₹10 की वृद्धि पर राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम ने असंतोष जाहिर किया है। बुधवार को जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस पहुंचे मंत्री आलमगीर आलम ने इस बाबत कहा कि COVID-19 के काल में राज्य के मजदूरों को मनरेगा के तहत काम उपलब्ध कराए गए और इससे मजदूरों को काफ़ी लाभ भी मिला। झारखंड में मनरेगा के तहत कई महत्वपूर्ण कार्य कराए गए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने मनरेगा मजदूरों के मजदूरी दर में वृद्धि किया है यह खुशी की बात है, परंतु यदि अपने राज्य की बात की जाए तो भारत सरकार ने राज्य के मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दर में मात्र ₹10 की वृद्धि किया है, जो ना काफ़ी है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में आदिवासी और कमजोर तबके के लोग अधिक हैं, ऐसे जगह में ₹10 की वृद्धि करना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा झारखंड में मनरेगा मजदूर का मजदूरी दर है। आलमगीर आलम ने कहा कि भारत सरकार को इस पर अच्छी तरह से विचार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में जहां 60 से ₹70 की वृद्धि की गई है, तो अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी मजदूरी दर बढ़ाई जाए। और दूसरी ओर जो मनरेगा कर्मी का जो कर्मी मनरेगा का मजदूर का जो मानदेय था वो पहले दे रहा था 194, उसको बढ़ाकर 10 ऐसा कुछ किया है। और सबसे कम जो है मनरेगा मजदूर का झारखंड में ही कम पैसा दिया गया है, दूसरे राज्य में हम लोग देखे 260-270 तक है। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो पिछड़ा हुआ राज्य झारखंड है, जो दलित आदिवासी और कमजोर वर्ग के यहाँ पर ज़्यादा लोग बसते हैं, उसकी मजदूरी बढ़ना चाहिए था, लेकिन भारत जो केंद्र सरकार जो है जिसको सिर्फ 210 रुपया किया है, ये बहुत ही मने दुख की बात है। यहाँ के मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने की बात हम लोगों ने एक बार नहीं लगातार केंद्र सरकार आग्रह भी किए थे, लेकिन अभी तक उसका निर्णय तो लिया अंत में, लेकिन 210 रुपया ये बहुत ही कम मानदेय है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि दूसरे राज्य में जो 260-270 रुपया है यहाँ के लोगों को किया जाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।